एक ट्रायल हम कर रहे हैं एक ड्रोन कंपनी के साथ, जिसमें चंबा जिला से मुख्यालय से हमारे अलग अलग जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पे जो मेडिसिन्स हैं या उस तरह की जो सामग्री है जो हेल्थ से संबंधित है उसको डिलीवर किया जाएगा। इसमें चंबा से तीसा है, तीसा के अलावा मैला है, चनेड़ है, और ये ट्रायल जो है 14 से शुरू होगा और 15, 16, 17 को 3 दिन जो है ड्रोन से फ्लाइट होगी और जो मेडिसिन हैं वो डिलीवर होंगी। ये एक पायलट है और इसको आईटी विभाग के साथ हम कर रहे हैं, और ये जो कंपनी इसमें आईटी विभाग ने जो चंबा के लिए जो सिलेक्ट की है ये एक पायलट बेसिस पर फ्री पोस्ट बेसिस पे करेगी, और यदि पायलट सक्सेसफुल होता है तो भविष्य में हम इस तरह की मेडिसिन की डिलीवरी बाय वे ऑफ ड्रोन्स उसको जिले में प्रमोट किया जा सकता है। और जिस तरह से हमारा जिला एक डिफिकल्ट क्षेत्र है, कई बार रास्ते भी बंद होते हैं या कई अन्य कारणों से भी, ऐसे भी हमारे हेल्थ सेंटर हैं जहां पे रोड की सुविधा की भी कई जगह कमी है, तो वहां पे इस तरह की मेडिसिन पहुंचाना मुझे लगता है काफी उपयोगी होगा। और कभी कोई आपदा आती है तो उसमें भी ये डिलीवरी ऑफ मेडिसिन या कोई और चीजें कुछ भी डिलीवर हो सकता है, क्योंकि पे लोड कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा उसके ड्रोन के कि वो कितना सामान उठा सकता है। चंबा जिला में हम पिछले 1 साल से ड्रोन्स की जो यूज है उसको हमने बढ़ाने की कोशिश की है। जिले में 4 ड्रोन्स ऑलरेडी एड हो गए हैं जो पुलिस विभाग के पास हैं। एक वर्ल्ड बैंक के साथ हम पायलट कर रहे हैं, और उस पायलट में एक बड़े साइज का ड्रोन जो थोड़ा एडवांस भी होगा जिसमें मैपिंग भी हम कर सकते हैं और उसका पेलोड भी बड़ा होगा, नाइट विजन कैमरा उसमें होगा, वो जिले को मुझे लगता है जल्दी मिलने वाला है और उसको भी प्रयोग किया जाएगा। और ड्रोन का एक और यूज जो अभी हमने मैला लैंडस्लाइड में किया, उसको ड्रोन से हम लगातार जो लूज मटेरियल था या जो लैंडस्लाइड के ऊपर वाला एरिया था उसको दिन में 2-3 बार हम उसकी मैपिंग करते थे। तो ड्रोन्स के मल्टीपल यूज हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है समय आएगा जब ड्रोन का काफी ज्यादा यूज होगा। सर कब से कब तक कहाँ कहाँ से ट्रायल ये आयोजित होगा और कब सर ये जो पूरी कार्य योजना है धरातल पर उतरने की उम्मीद है सर? ये 14th को चंबा में जो मोबाइल जो हमारे ड्रोन कंपनीज के लोग हैं वो आएंगे और रेकी करेंगे और हमारे ड्रोन कंपनीज के लोग हैं वो आएंगे और रेकी करेंगे और 15th को जो है पहला ट्रायल हमारा चंबा से सिविल अस्पताल तीसा तक जो है 40 किलोमीटर तक का डिस्टेंस इसमें कवर हो सकता है और लगभग 4 से 5 केजी का पेलोड इसमें होगा। और 15th को तीसा में होगा, 16th को इसको हम मैला के लिए प्रयोग करेंगे और 17th को जो है चनेड़ के लिए होगा। तो हमने कल प्रेस विज्ञप्ति भी दी थी और उसका पर्पज ये था कि लोग जो हैं उसको ये ना लें कि ये किस तरह की फ्लाइट्स हो रही हैं, तो थोड़ा लोगों के लिए भी जानकारी दे। और ये ट्रायल होगा और आने वाले टाइम में ड्रोन्स के बहुत ज्यादा मुझे लगता प्रयोग होगा और इसमें कोई संकोच हमें नहीं। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड, खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।